गुड मॉर्निंग यू गाइस। तो सुबह सुबह हम लोग आ चुके हैं अनिल सरस्वती विद्या मंदिर, जी हाँ, मेरे एक्स स्कूल। थोड़ा सा मुझे काम था, सर्टिफिकेट और मार्कशीट लेनी थी, तो इसलिए मैं सुबह सुबह आई हुई थी। और इतने टाइम बाद मैं अपने स्कूल आई, पुराने स्कूल, तो बहुत सारे यू नो फ्लैशबैक्स आ रहे थे। लेकिन चलो ठीक है, मूव ऑन करना इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। एंड कल रात में मैंने स्कूटी अपनी चार्ज नहीं की थी, उसके वजह से आज मुझे ई रिक्शे से पैदल आना पड़ा। सो गाइस, अभी मुझे फिर से आते रहना है अपने स्कूल। मुझे बुरा नहीं लग रहा, बस मुझे इस चीज़ का बुरा लग रहा है कि मेरा एक दिन में काम सारा हो ही नहीं पाता। जब तक मैं 10 बार नहीं आऊँ तब तक मेरा कोई काम होता ही नहीं है। देन उसके बाद मैं चली गई सैलॉन, क्योंकि था आज मेरा शूट। और शूट में आज जितनी भी स्टूडेंट हैं सबका टेस्ट था, तो 4-5 मॉडल्स आई थी। तो ये था मेरा बिफ़ोर, और अभी आप लोग आफ्टर देखना। एंड शूट्स की फ़ोटो मैंने यूट्यूब में नहीं डाली है कहीं पे, तो शूट की फ़ोटो इंस्टा पे पोस्ट मैंने कर दी, तो अगर आप लोग को देखना है तो आप लोग इंस्टा में देख लीजिएगा। तो सबसे पहले शूट्स में क्या ही होता है, शूट्स में सबसे पहले हमारे बालों की क्रिम्पिंग होती है, और क्रिम्पिंग होने के बाद नेल एक्सटेंशंस होता है। और नेल्स मेरे पहले से बड़े थे, तो इसलिए नेल एक्सटेंशंस नहीं हुआ। और सारी मॉडल्स अब आ चुकी थी, और सारी मॉडल्स का मेकअप होने लगा था, उनमें से मैं भी एक हूँ। लेकिन मेरा सबसे पहले हो गया था, क्योंकि मैं थोड़े पहले आ गई थी। और ये पहले बाल खोल के कुछ हेयर स्टाइल बन रहा था, देन ये बाल बंद करके बन रहा था। और जो हमारा जो शूट था वो इंडोर नहीं था, वो आउटडोर था। क्रिनोस्को होटल आप लोग ने सुना होगा, तो वहीं हमारा शूट था। और आउटडोर शूट बहुत ज़्यादा हेक्टिक होते, क्योंकि वो भारी ज्वेलरी और लहंगा आपको बाहर पहन के जाना पड़ता है, तो थोड़ा सा ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, लेकिन अच्छा था। और ये कुछ मेरा मेकअप था, और मेकअप बहुत सटल और न्यूट सा हुआ है, मैंने ही बोला था इतना सटल और न्यूट करने को, और मुझे अपना मेकअप काफ़ी अच्छा लग रहा था। और फिर जितनी भी और मेरे जस्ट पीछे मेरी सीनियर अभी आई थी सिर्फ और सिर्फ शूट देखने, क्योंकि उनका बहुत मन था कि शूट कैसे देखते हैं, तो इसलिए वो आई थी। एंड देन हैवी ज्वेलरीज भी मैंने पहन ली, और ये जो ज्वेलरीज थी ये काफ़ी हैवी थी, और इसको पहनने के बाद मेरे कान वान सब दर्द भी कर रहे थे। तो ये मेरी ज्वेलरी थी जो कि मैंने पहनी थी। और देन ये देखना आप लोग, ये चेंज हो गया। हाँ जी, मैंने अपना आउटफिट चेंज कर लिया था, मुझे रेड नहीं अच्छा लग रहा था, तो ये बेबी पिंक कलर का एक आउटफिट था जो कि मैंने देखा। देन आई आस्क्ड माय मेकओवर, तो उन्होंने कहा यस, अगर आपको चेंज करना है, आपको नहीं पसंद आ रहा तो आप चेंज कर सकते हो, तो मैंने चेंज कर लिया था। देन हम लोग निकल पड़े अपने लोकेशन के लिए, और जो लोकेशन थी वो क्रिनोस्को थी, और सारे मॉडल्स आ गए थे। देन फ़ोटोज़ हमारी क्लिक हो रही थी, और जो फ़ोटोज़ थी वो डे लाइट में बहुत प्यारी लग रही थी, एंड बहुत प्यारी फ़ोटोज़ आई है, मैं फिर से बोल रही हूँ। और जितनी भी मॉडल्स हैं सारे बहुत प्यारे लग रहे थे, सारे मॉडल्स बहुत प्यारे लग रहे थे। एंड ये था मेरा लुक, और ये जो पूरा लुक है वो आप लोग देखना मेरे इंस्टा पे। देन हम लोग ने कुछ स्नैक्स खाए, और फिर हम लोग घर के लिए चले गए। मतलब घर के लिए नहीं, पहले हम लोग सैलॉन जाएंगे, वहाँ से मेकअप वगैरह यू नो जितना था वो सब रिमूव होगा, आउटफिट चेंज करेंगे, देन उसके बाद हम लोग अपने घर जाएंगे। खुद ही आ गए गाइस, डन विद द शूट, और शूट बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। और ये मेरी आज मेकओवर थी। हाय, तो मेरा मेकअप कैसा लगा सब लोग कमेंट्स में बताइएगा। और अभी जस्ट हम लोग का शूट हुआ है, अब हम लोग जा रहे हैं फिर से सैलॉन, वहाँ पे अच्छे से हम लोग मेकअप वॉश करेंगे, अपना धुलेंगे मेकअप, आउटफिट चेंज करेंगे, उसके बाद घर निकल जाएगा। तो इतना ही था आज।